बिहार में कितने सीट पर आप जीत हासिल कर सकते हैं? 40 का 40 लोकसभा सीट और 2025 में बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री निश्चित रूप से बनेगा। लेकिन वहीं राजद के जो नेता हैं कह रहे हैं कि आप जदयू के साथ थे इसलिए 39 सीट जीत पाए थे पिछले बार, इस बार आपके साथ नीतीश कुमार नहीं है। जो भी लाना चाहूँगा, 14 में भी हमने अकेला लड़ा था और 14 में हम लोग 34 सीट जीते थे और उसके बाद तो 10 साल में मोदी जी का इतना काम हुआ है वो 34 इस बार 40 में बदलेगा। अभी तो पहले उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, उनका गठबंधन पहले बन तो जाए, सीटें आपस में बांट तो लें, निश्चित रूप से आपस में ही चीजें तय नहीं कर पाएंगे तो हमसे भाजपा से एनडीए गठबंधन से लड़ कैसे पाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। आप देख सकते हैं रोहतास की धरती पर जो बीजेपी के जो प्रदेश के युवा अध्यक्ष हैं वह आ चुके हैं भरतेंदु मिश्रा जी, और उनका भव्य तरीके से गाजे बाजे और हाथी घोड़े के साथ स्वागत किया जा रहा है और तमाम 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बड़े बड़े नेता रोहतास आ रहे हैं और उनका भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है और बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं युवा मोर्चा के, क्या कहिएगा रोहतास पहुँचे हुए हैं? आज रोहतास के युवाओं का जोशो खरोश देख के आज मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गया हूँ कि 2019 में जितने ज़्यादा वोटों से हम ये लोकसभा सीट जीते थे उससे दुगने वोटों से हम 2024 में इस लोकसभा सीट को जीतेंगे। लगातार जिस तरह से विपक्षी टीम के द्वारा, इंडिया अलायंस के टीम के द्वारा कहा जा रहा है कि 2024 में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, अभी तो पहले उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, उनका गठबंधन पहले बन तो जाए, सीटें आपस में बांट तो लें, निश्चित रूप से आपस में ही चीज़ें तय नहीं कर पाएंगे तो हमसे भाजपा से एनडीए गठबंधन से लड़ कैसे पाएंगे। क्या लगता है अपने आप को जिस तरह से इंडिया अलायंस गठबंधन का बैठक हुआ था, बड़ी बैठक और बड़ी बैठक के बाद आने के बाद जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के जो बेटे हैं तेजस्वी यादव और जदयू के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो दोनों में तालमेल अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, लगातार ये खबरें सोशल मीडिया पर चल रही है। देखिए, बैठक के बाद उनको एजेंडा की बात करनी थी, मुद्दों की बात करनी थी, क्या तय हुआ बैठक में ये बताना था, लेकिन बैठक के बाद वो बताते हैं कि बैठक में सिर्फ चाय बिस्कुट मिला, तो इसे सोच सकते हैं कि कितना गंभीर गठबंधन है ये और कितना गंभीर राजनीति कर रहे हैं। 2024 को लेकर वहीं बात किया जाए तो साफ तौर पे कहा जाता है कि तीसरी बार बीजेपी को सरकार केंद्र में नहीं बनने दिया जाएगा, 10 वर्षों में केवल हिंदू मुस्लिम करके वोट लिया गया है। आदमी एक बार जनता को बरगला सकता है, बार बार नहीं। निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा काम पूरे भारत में की है और इसका इनाम तीसरी बार भी उनको मिलेगा और एनडीए गठबंधन के हमारे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। कहा जा रहा है कि जो नीतीश कुमार हैं दबाव में हैं आरजेडी के और साफ तौर पे दबाव बनाया जा रहा है नीतीश कुमार को कि अपनी पार्टी को विलय कर दीजिए, क्या लग रहा है, क्या चल रहा है नीतीश कुमार जी के मन में, क्या चल रहा है? कभी फिर सवाल खड़े हो रहे हैं कि फिर नीतीश कुमार जी एक बार पलटी मार के बीजेपी में आ सकते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी ने जब एनडीए गठबंधन छोड़ा उसी टाइम उनके जो शुभचिंतक थे, उनके पार्टी को आगे बढ़ाने में जिनकी महती भूमिका हुआ करती थी, ऐसे ऐसे नेताओं ने लगातार एक साल के अंदर दल छोड़ा है। अब उनके पास सिर्फ चाटुकारों की फौज बची है तो उनको अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें, सही दिशा निर्देश उनको मिल नहीं रहा है, तो वो थोड़ा सा हतप्रभ है कि आगे क्या रणनीति हो। अब उसकी रणनीति उनकी जो होगी वो तय करेंगे। बिहार में कितने सीट पर आप जीत हासिल कर सकते हैं? 40 का 40 लोकसभा सीट और 2025 में बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री निश्चित रूप से बनेगा। लेकिन वहीं राजद के जो नेता हैं कह रहे हैं कि आप जदयू के साथ थे इसलिए 39 सीट जीत पाए थे पिछले बार, इस बार आपके साथ नीतीश कुमार नहीं है, जदयू के कार्यकर्ता जदयू के नेता आपके साथ नहीं है। ध्यान दिलाना चाहूँगा, 14 में भी हमने अकेला लड़ा था और 14 में हम लोग 34 सीट जीते थे और उसके बाद तो 10 साल में मोदी जी का इतना काम हुआ है वो 34 इस बार 40 में बदलेगा। देख सकते हैं कि भव्य तरीके से फूल माला से स्वागत किया जा रहा है और मैं युवा जिला अध्यक्ष देख सकते हैं कि यहाँ पर अभिषेक तिवारी जी हैं और यहाँ पर पंकज जी हैं, तमाम बीजेपी के यहाँ पर देख सकते हैं कि जिला कार्यकर्ता है यहाँ पर और काफी यहाँ पर गाजे बाजे के साथ देख सकते हैं कि भव्य तरीके से जो भरतेंदु मिश्रा है उनका स्वागत किया जा रहा है, फूल माले के साथ स्वागत किया जा रहा है और देख सकते हैं हाथी घोड़े गाजे बाजे के साथ इनका किस तरह से रोहतास में स्वागत किया जा रहा है और ये 2024 में बीजेपी को कह रहे हैं कि बीजेपी फूल बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाएगी। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।